दोस्तों, अगर आपके पास है एक कंप्यूटर और आप उस पे सुनना चाहते हैं कुछ म्यूजिक, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से साउंड आउटपुट लेना चाहते हैं और आपका बजट भी कम है और आप इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि हम साउंड आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल करें, मतलब कि कौन सा स्पीकर लगाएं या कौन सा होम थिएटर लगाएं जो कि कम बजट में अच्छा आउटपुट दे दे आपके एक रूम के लिए। तो अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं या अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसे होम थिएटर के अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा जो कि मेरे ज़रूरत को फुलफ़िल करता है और हो सकता है कि ये आपके ज़रूरत को भी फुलफ़िल कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं भी यूज़ करते हैं लेकिन उनको म्यूजिक के लिए एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम चाहिए होता है जो उनके एक रूम के लिए काफ़ी हो, एक रूम में उनको अच्छा खासा साउंड का आउटपुट मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक सिस्टम अगर आप ढूंढने जाते हैं तो वहां पे सोनी और JBL जैसे महंगे ब्रांड आते हैं जो कि 10,000 से ऊपर आप खर्चा करेंगे तब जाके आपको एक अच्छा खासा होम थिएटर मिल जाता है। लेकिन मैंने आज जो होम थिएटर मंगाया है वो काफ़ी कम खर्चे में आपको काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट दे देता है और मेरे ज़रूरत के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये होम थिएटर है इंटेक्स कंपनी की तरफ से। दोस्तों, इसी कंपनी का मैंने IT 2000 मॉडल मैंने आज से 9 साल पहले ख़रीदा था और वो काफ़ी अच्छा आज तक आउटपुट दे रहा है। मैं उसको अपने मोबाइल शॉप में यूज करता हूँ और इस स्पीकर में क्या खास अपग्रेड किए गए हैं, ये भी स्पीकर उसी पैटर्न पे बना है, यानी कि साइज़ वगैरह उसी स्पीकर के बराबर इसकी भी है। जो IT 2000 मॉडल है इंटेक्स का उसी के जैसा ये भी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या क्या खास और फीचर अपग्रेड किए गए हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं हम बॉक्स को। यहां पे आप देख पाएंगे ये अगस्त 2020 की पैकिंग है और इसकी जो MRP है वो 3,299 रुपए की है, लेकिन एक्चुअल प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि ये कितने का मुझे मिला। और यहाँ पे जो पावर आउटपुट आपको मिलता है वो मिलता है टोटल 60 वाट का यहाँ पे मिलता है। जो स्पीकर्स हैं इसमें छोटे छोटे वो 10 वाट के 4 स्पीकर हैं और जो बेस है बेस पर मिलता है वो 20 वाट का है। अगर इसमें मिलने वाले फंक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि USB प्लेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि आप डायरेक्ट पेन ड्राइव वगैरह से गाने प्ले कर सकते हैं। FM रेडियो भी है इसमें, ब्लूटूथ भी दिया गया है जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़ोन वगैरह से कनेक्ट करके और म्यूजिक प्ले करने के लिए। और यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है और होम थिएटर का मॉडल नंबर है XV301FMUB। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस होम थिएटर को निकालूंगा डब्बे से बाहर और आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और साथ ही इसके फंक्शन वगैरह भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ डब्बे के अंदर आपको मिल जाती है सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका कि कोई काम नहीं है, वो है इसका यूजर मैनुअल। और इसी के अंदर होता है वारंटी कार्ड, आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स, मॉडल नंबर वगैरह। यहाँ पर आपको जो भी ये प्रोडक्ट बेचेगा वो यहाँ पर ये सब भर के देगा और ऑनलाइन जब आप लेते हैं तो ऑनलाइन जो इनवॉइस आपको मिलती है वही वारंटी के रूप में काम आती है। एक साल की इस पर सर्विस वारंटी है जो कि सर्विस सेंटर से कवर होती है। और उसके साथ एक और पैकेट मिलता है, इसमें के अंदर आपको ये मिल जाता है एक रिमोट और साथ में एक ऑक्स केबल जिससे कि आप अपने कंप्यूटर या TV वगैरह को इस होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं। बस यही दो चीज़ें बॉक्स में मिलती हैं, इसके बाद मेन चीज़ हमारा जो है होम थिएटर, उसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये रहा हमारा होम थिएटर सिस्टम, इसको मैंने निकाल दिया है डब्बे से बाहर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि वोकल के लिए होते हैं, मतलब कि इस स्पीकर से आपको साउंड मिल जाता है, मतलब कि जितनी भी म्यूजिक्स होती हैं लेफ्ट और राइट की वो टोटल इससे आपको मिल जाती हैं। वैसे भी 4.1 चैनल लिखा हुआ है, मतलब और ये जो है आपका मेन यूनिट है, इसी से आपका बेस निकलता है और साथ साथ इसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे ये जो पोर्ट्स है ये USB के लिए है और ये इंफ्रारेड सेंसर है जो कि आपके रिमोट कंट्रोल के लिए काम में आता है। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, ये स्कैन बटन है, ये मोड का है, मतलब कि ब्लूटूथ FM वगैरह मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये गाने प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए है, ये बेस के लिए ये बटन दिया गया है, इस बटन से आप अपना बेस एडजस्ट कर सकते हैं।
और ये मेन बटन है वॉल्यूम के लिए, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस सिस्टम को ऑन करेंगे तो कुछ ऐसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लाइटें जल जाती है, यहाँ पे ये एक एलईडी लाइट दिया गया है, ये पावर ऑन होते ही जल जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जिसपे कि आप देख पाएंगे कि ये किस मोड में है। आप देख पाएंगे कि इस पे AUX लिखा हुआ है, मतलब कि ये ऑक्स मोड में है, और यहाँ से मोड जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड में हो जाएगा। आप यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हैं। मैंने वॉल्यूम को कम करके रखा हुआ है तो मोड चेंज करते समय पता नहीं चल रहा होगा। एक बार मैं इसके पीछे का इंटरफेस आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसके साउंड को भी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये होम थिएटर अपने प्राइस पॉइंट पे बेस्ट क्यों है। तो ये है इस होम थिएटर के पीछे का हिस्सा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनपुट के लिए यहाँ पे दो सेक्शन दिए गए हैं जिसको कि मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है ऑक्स केबल के माध्यम से। ये ऑक्स केबल है जो मेरे कंप्यूटर से आया हुआ है, और इसमें ऊपर लगा देने से इसमें इनपुट मिल जाता है कंप्यूटर से, इसमें साउंड आने लगता है। ये छोटे छोटे जो स्पीकर हैं उसके लिए ये चारों पोर्ट दिए गए हैं, इसमें कनेक्ट करके ये आप अपने स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये पावर बटन है, यहाँ से इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं इसी पावर बटन के माध्यम से। और साथ में ये एंटीना के लिए वायर दिया गया है, इस वायर को आप जोड़ के इसका एंटीना के रूप में आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे इसका मॉडल नंबर मेंशन है XV301FMUB, और नीचे की तरफ एक QR कोड है। बस यही कुछ सिंपल सा इंटरफेस है पीछे की तरफ। तो अभी मैं इसका साउंड टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मोबाइल से कनेक्ट होता है और किस तरह से इसका साउंड आउटपुट है। साउंड आउटपुट जानने के लिए हेडफोन ज़रूर लगा लें, क्योंकि हेडफोन जब आप लगाएंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि इसका साउंड आउटपुट कैसा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटेक्स लिखा हुआ आ गया, और इसी पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के साथ ही ये पेयर हो जाएगा। देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है। पेयर होने के बाद कुछ ऐसा सिंबल मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से हम कोई भी म्यूजिक प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि कॉपीराइट आने का डर है, नहीं तो मैं तो आपको भोजपुरी गाने सुना के बता देता, मैं वैसे ही म्यूजिक सिर्फ बजाऊँगा जिसमें कॉपीराइट नहीं आए। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ, आप हेडफोन लगा के सुनिए कि इसका आउटपुट कैसा है। वैसे मैंने साउंड कम ही रखा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा साउंड चाहिए तो आपको बेस को कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वूफर ज़्यादा बेस क्रिएट करेगा और इससे आपका म्यूजिक का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको फुल वॉल्यूम पर चलाना है तो बेस को आपको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कम करके। लेकिन यहाँ पर मैं कम साउंड पर ही आपको सुनाता हूँ कि इसका बेस वगैरह कैसा है और साउंड की क्लियरिटी कैसी है। दोस्तों अब इसके प्राइस की बात करेंगे तो ये मुझे मिला है 2350 रुपये में ऑफलाइन मार्केट में। आप इसे ऑनलाइन भी अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। 301 में और भी बहुत सारे मॉडल हैं, जो शुरुआत के वर्ड है XV उसको आप छोड़ दें, इंटेक्स 301 लिख के भी वैसे आप सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वन क्लिक में आप अमेजोन से इसे बाय कर सकते हैं। और ये होम थिएटर क्यों मैंने ख़रीदा, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। मैं इंटेक्स का ऐसा ही होम थिएटर इस्तेमाल करता हूँ पिछले 9 साल से अपने शॉप में। उसका जो मेन सिस्टम है वो यही है, उसका सब कुछ कैपेसिटी वो भी 60 वाट का है, इंटेक्स का ही है। और उसके साथ में मुझे सिर्फ ऐसे दो ही स्पीकर मिलते हैं, वो 2.1 है, ब्लूटूथ और USB नहीं दिया गया है, वो सिंपल सिर्फ ऑक्स केबल से चलता है। यानी कि मुझे सिर्फ कंप्यूटर से आउटपुट लेना है, और उस समय ऐसे ब्लूटूथ वाले आते भी नहीं थे सस्ते में, तो मैंने सिर्फ 1200 रुपये में उसको ख़रीदा था ऑफलाइन मार्केट से। और मैं सिर्फ इस ऑक्स केबल की मदद से उसको यूज करता हूँ, उस वाले होम थिएटर को, और अपने मोबाइल से भी ऑक्स केबल से ही हेडफोन जैक के माध्यम से कनेक्ट करके यूज कर लेता हूँ। और 9 सालों में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, उसका बेस भी एक रूम के लिए पर्याप्त है, और मुझे उससे काफ़ी अच्छा खासा साउंड मिल जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ इस होम थिएटर से पार्टी तो करनी नहीं है, मुझे बस यहाँ अपने वीडियो वगैरह एडिट करने हैं यूट्यूब के लिए, और मेरा यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है उसके लिए मुझे सिंपल एक साउंड आउटपुट चाहिए जो कि एक रूम के लिए पर्याप्त हो, और एक रूम में मुझे अच्छा खासा बेस वगैरह प्रोवाइड कर दे, और साथ ही का क्रिस्प एंड क्लियर साउंड भी मुझे दे दे। तो इसीलिए मैंने इस होम थिएटर को प्रेफर किया। बाकी आप सोनी और JBL वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपको 10,000 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको भी एक रूम के लिए कम प्राइस में एक सिंपल होम थिएटर चाहिए तो आप इस होम थिएटर को जरूर खरीदें। और एक खास बात आपको बताना भूल गया कि आप इस होम थिएटर से गाने भी सुन सकते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।
तो आपको ये होम थिएटर कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप में से कौन लोग हैं जो इंटेक्स का होम थिएटर पहले से यूज करते हैं वो लोग भी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी वाली और हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।